गुड मॉर्निंग दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे एंड वेलकम बैक टू माई चैनल विनी रावत ब्लॉग्स आज है संडे का दिन और अभी सुबह के साढ़े पाँच बज रहे हैं और छुट्टी का दिन है लेकिन मेरी नींद जो है बहुत जल्दी खुल गई थी तो मैं फाइव थर्टी पर उठ गई फिर उठने के बाद जो है मैंने अपना बेडरूम का जो दरवाज़ा है वो खोला और मैंने देखा कि मेरी जो बालकनी है उसमें एक छिपकली घूम रही थी तो मैंने जो है थोड़ा सा दरवाज़ा खोलने में धीरे धीरे टाइम लगाया मेरे को लगा कहीं वो अंदर ना आ जाए तो ये मैं दरवाजे पे ही खड़ी हूँ अभी मैं बालकनी में गई नहीं हूँ फिर मैंने बाहर बालकनी में यहीं से यहीं से देखा बाहर कि कैसा हो रहा है मौसम तो मौसम तो क्लियर ही है आज का कोई बारिश के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं अभी तो और बाहर भी जो है अभी इतने लोग शायद नहीं उठे हैं तो बाहर कोई दिख नहीं रहा है मुझे हमारे नॉर्मली यहाँ पे आगे जो है लोग योगा वगैरह करने के लिए आ जाते हैं बट अभी फ़िलहाल मुझे कोई नहीं दिखा बाहर तो फिर मैं आ गई किचन में मैंने अपने लिए जो है पानी गर्म किया क्योंकि उठते के साथ ही मैं जो है पानी पीती हूँ और थोड़ा सा ल्यूकॉम पानी लेती हूँ तो मैंने अपने लिए थोड़ा सा पानी गर्म किया और फिर मैं उसको बैठ के पीने लगी तो इतने में जो है मेरे हस्बैंड भी जाग गए थे क्योंकि मुझे आवाज़ आ रही थी अंदर बेडरूम से उनके उठने की तो वो उठ गए थे और उठ के शायद वो बालकनी में चले गए मे बी वो जो है आज साइकिलिंग पे जा रहे हैं तो इस वजह से वो उठ गए जल्दी फिर मैं बालकनी में आके मैंने देखा तो वो अपनी साइकिल को पंप कर रहे थे उसमें हवा उसके टायरों में जो है हवा भर रहे थे तो तब मैंने उनको देखा क्योंकि अ, अंदर ना आवाज़ आ रही थी जैसे पंप मारने की तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आवाज़ किस चीज़ की आ रही है फिर मैंने थोड़ी देर गैस करने के बाद दिमाग लगाया कि शायद मेरे हस्बैंड उठ गए हैं और उनको शायद साइकिलिंग पे जाना है तो इसलिए वो साइकिलिंग में जो है वो पंप कर रहे हैं मेरे हस्बैंड ने जो है साइकिलिंग का ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर रखा है तो वो लोग भी अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं साइकिलिंग के लिए तो कई बार तो वो उनके साथ चले जाते हैं लेकिन कई बार वो अकेले ही चले जाते हैं तो आज जो है मे बी वो शायद अकेले ही जा रहे हैं और तब तक मेरी चाय भी बन गई थी तो मैंने उनको बोला कि चाय बना रही हूँ चाय पी के जाना तो फिर मैंने चाय बनाई जल्दी से और उनको जो है थोड़ा सा जाने से पहले कुछ खाना होता है क्योंकि अब खाली पेट वो साइकिलिंग वगैरह पे नहीं जाते हैं तो कई बार तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं या फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो ले लेते हैं तो आज उन्होंने जो है चाय के साथ बिस्किट ले लिया मुझे बहुत बोल रहे थे कि बिस्किट है तो मेरे को दे दो तो फिर बिस्किट थे मैंने उनको फिर बिस्किट का पैकेट ही जो है खोल के वो दे दिया और हमारी चाय पीने तक और मेरे हस्बैंड के निकलने तक का टाइम अराउंड शायद सिक्स फिफ्टीन तक हो गया था टाइम जो है तो फिर उसके बाद जो है वो तो निकल गए अपनी साइकिलिंग के लिए फिर मेरे को जो है अब मैं को नींद तो आ नहीं रही थी अब उड़ गई थी तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अब जो है पहले घर का जो है काम कर लेती हूँ क्योंकि अगर मैं लेट गई दोबारा से या फिर मैं बैठी रह गई तो फिर मेरा ना काम रह जाएगा और फिर छुट्टी का भी दिन है तो फिर आलस भी आ जाता है है एक बार अगर बैठ जाओ तो फिर मैं वो चले गए थे अपनी साइकिलिंग के लिए फिर मैं जो है बालकनी में गई मैंने कहा चलो पहले बालकनी ही साफ़ कर देती हूँ तो वहाँ पे ना मैंने कल जो है अपने शूज़ वगैरह अपने और बेटी के जो है शूज़ वगैरह धो के तो सूखने के लिए रखे हुए थे पहले मैंने सोचा कि ये शूज़ वगैरह ही उठा के मैं अंदर रख देती हूँ नहीं तो बालकनी वॉश करने में ये जो है फिर से गंदे हो जाएंगे मुझे ना थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि सुबह जो है यहाँ पे बालकनी में छिपकली घूम रही थी तो मुझे ये लग रहा था कि कहीं इन जूतों के अंदर ही छिपकली ना घुस गई हो तो मैं थोड़ा सा ना डर डर के उनको अच्छे से झाड़ के उठा रही थी कि कहीं छिपकली ना निकल आए करके अंदर से क्योंकि मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है तो बट लकीली जो है कोई छिपकली नहीं थी उनमें उसके बाद जो है मैं बाथरूम से ही एक बाल्टी पानी की ड्रैग करके इधर ले आई दरवाजे पे और सबसे पहले तो मैंने जो है गमलों को पानी दिया क्योंकि गमले भी मेरे सूख रहे थे तो मैंने पहले उनको पानी दिया और फिर उसके बाद जो है आ, मैं बालकनी वगैरह साफ़ करने लग गई तो इतने में ही देखा मैंने बराबर वाली बालकनी में जो है जो पड़ोसियों की बालकनी थी वहाँ पर जो है एक कबूतर आके बैठ गया था तो उसको मैं थोड़ा सा देखने लग क्योंकि सुबह सुबह पक्षियों को देखना भी अच्छा लगता है तो वो आके चुपचाप से वहाँ पर बैठा हुआ था और फिर नीचे भी जो हमारे ग्राउंड में भी वो और भी कबूतर जो है आके दाना वाना चूक रहे थे तो वो सब भी देख के अच्छा लग रहा था क्योंकि सुबह सुबह ना ये ऐसे नज़ारे देखने में थोड़ा अलग ही आनंद आता है मैंने बालकनी में जो है झाड़ू पोछा नहीं लगाने की सोची मैंने फिर सीधा ही पानी डाल के उसको वाइपर से धो दिया था क्योंकि जो है गंदी भी हो रही थी और इस तरीके से वो अच्छे से साफ हो जाती है तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला और वाइपर से ही उसको जो है अच्छे से क्लीन कर दिया और जो सारा कूड़ा होता है वो मेरी यहाँ पर जाली है जो नाली के पास उसमें जमा हो जाता है और फिर वहीं से उठा के मैं कूड़े में फेंक देती हूँ जिस दिन सुबह सुबह ही पूरे घर की साफ़ सफाई हो जाती है और पूरा घर वेल मैनेज हो जाता है ना तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है और घर में भी बड़ी अच्छी वाइब्स आती है तो बड़ा मन को सुकून मिलता है ये सब देख कर ये मैं ना राइस लेके आई हुई थी और उसका पैकेट जो है मैंने एक दो दिन पहले खोल भी दिया था क्योंकि घर में राइस ख़त्म हो रहे थे लेकिन ना वो ड्रम में जो है डालने थे राइस तो वो रह जा रहा था रोज़ मैं इसी में से लेके बना दे रही थी दो तीन दिन से तो रोज़ मैं सोच रही थी कि इसको जो है आराम से जब टाइम मिलेगा तब मैं उल्टा दूँगी लेकिन ना वो रह जा रहा था बार बार तो आज ना सबसे पहले मैंने यही काम करने की सोची मैंने कहा ये फिर रह जाएगा इससे पहले मैं इसको उल्टा ही देती हूँ बाकी काम करने से पहले तो फिर मैंने वही ड्रम लिया और इस बार मैंने अभी वॉश नहीं किया वैसे तो मैं इसको वॉश करके ही डालती हूँ बट अभी मुझे रिक्वायर नहीं लगा साफ़ ही लग रहा था तो, तो फिर मैंने जो है अभी वॉश नहीं करा ड्रम को और ऐसे ही इसमें राइस को जो है उल्टा के रख दिया और ये जो पॉलीथीन में ये मैं लेके भी आए हुए थे अलग से मेरे हस्बैंड क्योंकि राइस ख़त्म हो गए थे तो बनाने के लिए थे नहीं तो ये अलग से ही लेके आए गए थे आज मुझे अपना हेड वॉश करना था तो मैंने रात को तो ऑयल नहीं लगाया था क्योंकि मैं विंटर्स में तो जो है रात को ऑयल लगा लेती हूँ सिर में लेकिन जो है गर्मियों में ना लगाया नहीं जाता क्योंकि गर्मियों में गर्मी लगती है अगर तेल लगा लो काफ़ी देर तक तो फिर ना बहुत गर्मी लगने लगती है और रात को तो स्पेशली फिर नहीं लगाया जाता तो फिर मैंने अभी जो है मैंने कहा जब तक मैं काम कर लेती हूँ उससे पहले मैंने बालों में जो है तेल लगा लेती हूँ क्योंकि जब तक मेरा काम होगा तब तक थोड़ा सा बालों में जो है तेल अच्छे से चला जाएगा तो इसलिए फिर मैंने पहले जो है तेल ही लगा लिया बालों में कई बार मन तो ये करता है कि कोई अच्छे से जो है बिठा कर में जो है तेल लगा के मसाज कर दे तो थोड़ा सा मजा आ जाए मतलब तो जो थकान है जो है सिर की जो है वो दूर हो जाए बट ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि अब जो है सब चीज़ खुद ही करनी होती है कोई ऐसा मसाज करने वाला होता नहीं है घर में पहले तो मम्मी वगैरह को बोल देते थे लेकिन शादी के बाद ऐसा पॉसिबल नहीं होता है तो खुद ही कर लेते हैं अपने बालों में इसी तरीके से तेल लगा के मसाज आज मेरे को ये था कि मेरे हस्बैंड के वापस आने तक जब तक वो साइकिलिंग करके वापस आते हैं तब तक मैं पूरे घर की जो है साफ़ सफाई कर लेती हूँ तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो आठ साढ़े आठ तक जो है आ जाएंगे तो फिर मैंने कहा तब तक मैं जो है अपना झाड़ू पोछा वगैरह और नहाना वगैरह सब कुछ कर लेती हूँ ताकि उनके आने के बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी तो फिर मैंने जो है जल्दी से जो है झाड़ू लगाया सारे कमरों में और उसके बाद जो है फिर जल्दी जल्दी पोछा मार दिया पोछा मैंने आज जो है वाइपर वाला ही पोछा मारा है क्योंकि घर ना आज इतना गंदा नहीं दिख रहा था कूड़ा भी नहीं था जाता बस ये था कि मेरे जो है बाल हमारे जो है वो गिर जाते हैं कितना ही कोशिश कर लो नहीं तो मैं जब भी बाल बनाती हूँ हमेशा बाल जो है मैं डस्टबिन में डालती हूँ लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं जब भी झाड़ू भी लगाने के बाद भी पोछे में भी फिर भी बाल ही बाल दिखते रहते हैं पता नहीं क्यों ऐसा है ऐसा भी नहीं कि बहुत बाल झड़ते हैं लेकिन जब भी मैं झाड़ू पोछा लगाती हूँ कि भालू मेरे बालों का जो है ज़्यादा कूड़ा हो जाता है जबकि मैं बालों को जो है मोस्टली टक करके ही रखती हूँ ओपन हेयर्स मेरे से रखे नहीं जाते हैं ज़्यादा देर तक तो कभी हेड वॉश करती हूँ तो उसकी बाद ही थोड़ी देर रखती हूँ अदरवाइज़ में टक करके ही रखती हूँ बट फिर भी ये बाल पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं काम तो मेरा सारा हो गया था अब मुझे बस नहाने के लिए जाना था तो आज मैंने सोचा कि मैं फ़ेस वॉश से जो है फ़ेस वॉश नहीं करती हूँ आज मैं थोड़ा सा नेचुरल तरीके से फ़ेस साफ़ करती हूँ तो उसके लिए मैंने जो है सोचा कि दही में जो है मैं बेसन डाल के वो लगा लेती हूँ फेस पर लेकिन मैंने जब देखा कि किचन में, में मेरा बेसन जो है वो ख़त्म हो रहा था तो फिर मैंने खाली दही में जरा सी पिंच भर जो है वो हल्दी डाल के उससे जो है मैंने पूरा फेस पर मसाज करी फेस और नेक दोनों पर मैंने उसे अच्छे से मसाज करी क्योंकि कर्ड से क्या होता है ना थोड़ा सा एक तो मॉइस्चर करती है जो कर्ड है और ऊपर से ना जो डेड स्किन है वो भी निकल जाती है और थोड़ा ना ग्लो करने लगती है स्किन जो है थोड़ा सा शाइन आ जाती है स्किन पर तो प्रेफर तो यही करती हूँ कि मैं डेली इसे यूज़ कर पाऊँ थोड़ा बेसन डाल के लेकिन ना हो नहीं पाता है भूल जाती हूँ कई बार और कई बार क्या होता है इतना टाइम नहीं होता कि लगाने के बाद थोड़ी देर रखना भी होता है एटलीस्ट पंद्रह बीस मिनट तो रखना ही होता है फेस को इस तरीके से छोड़ना होता है तो कई बार इतना इतना टाइम नहीं मिल पाता है तो फिर मैं ऐसे फेस वॉश नहीं धो लेती लेकिन आज मुझे याद आ गया था तो फिर मैंने जो है इसी तरीके से कर लगा के फिर उसके बाद नहाने के लिए गई मैं और तो अब मैं नहा के भी आ गई हूँ और मैंने आज बाल धोए हैं तो वो भी अभी गीले हैं तो मैंने उनको जो है टावल टक्की कर लिया अब तक मेरे हस्बैंड भी जो है आ गए थे साइकिलिंग से और हमारे जो है ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो गया था और आज मैंने जो है ब्रेकफास्ट के लिए जो है आलू बॉईल करने के लिए रख दिए तो तो मेरे आलू भी जो है अच्छे से बॉईल हो चुके हैं तो फिर मैं आलू के पराठे बनाने वाली हूँ आज जिस दिन जल्दी उठ जाओ सुबह उस दिन ना भूख भी जल्दी लग जाती है तो आज मैंने जो है सुबह उठते ही सारा काम कर लिया तो मेरे को भूख भी लग गई थी अब बस ये हो रहा था कि जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाओ और खाओ करके तो आलू मैंने जो है चार आलू बड़े बड़े उबाले थे बनाने के लिए क्योंकि इतना तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक एक दो दो पराठे ही हम खा पाते हैं तो वही मैंने आलू जल्दी से छीन लेकिन ना ये आलू जो ना अच्छे नहीं थे कई बार होता है ना थोड़ा सा वो वैसे ड्राई से आलू आ जाते हैं तो ये ना इस बार वैसे ही आलू आ गए थे शायद क्योंकि जब मैंने इनको मैश किया ना तो थोड़ा से ड्राई ड्राई जैसे होते हैं ना बुरादे टाइप के इस टाइप का वो फील आ रहा था मुझे जब उनको मैश करने के बाद तो ये उसी टाइप के थे तो मेरे को लग रहा था कि ये खाने में ना ज़्यादा स्वाद नहीं होंगे क्योंकि इस टाइप के आलू जो है खाने में ना स्वाद नहीं लगते हैं तो अब बाहर से तो सब सेम ही लगते हैं तो हम जज नहीं कर पाते हैं कौन सा आलू अच्छा होगा आलू तो मैंने मैश करके उसमें जो है सारे मसाले वगैरह मिक्स कर दिए थे और अब जो है बारी थी आटा गूंटने की आ, मैंने थोड़ा सा आटा निकाला गूंटने के लिए और क्योंकि ज़्यादा आटा भी फिर वो ना बचा रह जाता है फिर वो अच्छा नहीं बनता बासी आटा रखना भी नहीं चाहिए और यूज़ भी करो तो फिर उसकी रोटियाँ ना अच्छी भी नहीं बनती है तो मैंने थोड़ा सा ही अभी के लायक आटा निकाला कि मतलब हो जाए करके अभी के लिए अयाना तो जो है अभी तक सो रही है वो उठ नहीं रही है उसको उठा भी रही थी बट अभी वो जो है उठी नहीं तो हमने सोचा कि चलो हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं पहले और वो जो बाद में उठेगी तो फिर मैं उसके लिए बना दूँगी वो तब उसको दे दूंगी करके आ, क्योंकि अभी जो है इतना टाइम भी नहीं हुआ है वो रात को भी थोड़ा लेट्स होती है छुट्टी जब होती है उसकी तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर सोने देती हूँ ज़्यादा मैंने उसको ज़बरदस्ती नहीं करी उठाने के लिए क्योंकि हम जल्दी उड़ गए तो तो इसलिए हमारा काम भी जल्दी हो गया था तो मैंने कहा चलो उसको थोड़ी देर और सोने देती हूँ मैं पराठों के साथ तो मुझे जो है चटनी बहुत अच्छी लगती है लेकिन ना मेरे पास चटनी का कोई सामान था नहीं आज धनिया मिर्ची वगैरह कुछ था नहीं तो फिर मैंने कहा प्लान स्किप करते हैं चटनी का और कर्ड के साथ हम खा लेंगे पराठे वैसे तो अचार भी है लेकिन अचार मैं तो कम ही खाती हूँ मेरे हस्बैंड खाते हैं उन्हीं के लिए रखा हुआ है अचार मैंने तो मैं तो कर्ड वग़ैरह या फिर बटर वगैरह के साथ मुझे पसंद है पराठे खाना तो मैंने जल्दी से पराठे बनाए पहले तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को दिए क्योंकि उनको भूख भी लग रही थी वो तो बाहर घूम के आए थे तो उनको जल्दी भूख लग गई थी तो फिर मैंने उनको बोला कि तुम गरम गरम खा लो क्योंकि पराठे जो है वो फिर ठंडे हो जाते हैं थोड़ी सी देर में और उसके बाद जो है फिर मैंने अपने लिए बनाया गरम गरम पराठा और उसमें मैंने डाला बटर क्योंकि मुझे बटर के साथ जो है पराठे बहुत अच्छे लगते हैं स्पेशली आलू के पराठे बटर के साथ खाना बहुत टेस्टी लगता है और थोड़ी सी मैंने कड़ भी ले ली थी लेकिन ना बटर के साथ अलग ही स्वाद होता है पराठों का तो फिर मैंने जो है चाय ली और बटर के साथ पराठे खाए और मज़ा आ गया खा के क्योंकि सुबह सुबह इतना हैवी ब्रेकफास्ट कर लो तो फिर ऐसा लगता है पूरा दिन अब कुछ खाने की ज़रूरत है नहीं और ये मैं आ गई आने के लिए हम पर ना आयाना को तो मैंने फिर जो है छत्तीस लारी लप्पी लगा के उठा ही दिया फाइनली और वो उठ के फिर जो है अब नहाने गई है और तब तक मैंने जो सोचा कि किचन वगैरह मैं समेट देती हूँ क्योंकि किचन फैल जाता है जब हम खाना वाना कुछ भी बनाते हैं किचन में पराठे बनाए थे तो गैस पे भी जो है काफ़ी चिकनाई चिकनाई हो गई थी घी की फिर मैंने वही अच्छे से जो है जूने से उस आ, मतलब लगा के विम वगैरह से उसको भी माजा फिर अच्छे से और उसको फिर साफ़ किया क्योंकि वो फिर चिकनाई चिकनाई ना अच्छी नहीं लगती और फिर किचन की जो वॉल थी वो भी मैंने अच्छे से साफ़ करी साथ के साथ ही ब्रेकफास्ट के जितने भी बर्तन थे वो भी के फिर साइड कर दिए जल्दी से दोस्तों आज का ये ब्लॉग जो है अब मैं यहीं पे खत्म करती हूँ मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट व्लॉग में तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाय